कस्टमाइजेशन जो है एक पूरा थॉट प्रोसेस है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इंसान अपने आप को ओवर द टाइम अपने आप में एक सुधार ला रहा है। हम लोग अपने बियर्ड से लेके बियर्ड, हेयर कट, नेल्स, ये सब कुछ अपने अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के मुताबिक इसको डाल रहे होते हैं। तो इसी तरह बाइक्स भी, कंपनी ने बाइक एक बना के दी है अपनी बेस्ट एक डिज़ाइन पे, बट उसको अपनी नीड्स के मुताबिक जब हम चेंज करते हैं तो इसको हम लोग बाइक कस्टमाइजेशन जो ओवरऑल ये कैटेगरी है उसमें आती है। बाय द वे, मैं हमजा अजीम भट्ट हूँ और मैं ये बाइक कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। नॉर्मली जब भी मैं आता हूँ मार्केट तो चाय के कप से स्टार्ट करते हैं भाई, मुझे काफ़ी लोगों से काम करवाना है, उनसे डील करना है, तरह तरह की बातें होती हैं, कुछ चीज़ें टाइम पे हो रही होती हैं, कुछ नहीं। तो अपने आप को एक रेडी करने के लिए एक किस्म की समझ लें हमारी बियर है। काफ़ी लोगों ने बाइक्स बनाना शुरू की हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्ड मार्केट में दिखने को मिल रही हैं। काफ़ी लोग खुद से कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केट से कर रहे हैं। मैं शुरू से इंटरनेशनल फोरम्स पे इन चीज़ों को फॉलो कर रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता ये शौक जो है वो बढ़ता गया, तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी भी बाइक बनाऊँ खुद से। तो 2016 में पहली बाइक जो है मैंने कैफे रेसर बनाई थी। एक पहली कैफे रेसर जो मेरी थी वो उसने फेवरेट बाइक कॉन्टेस्ट विन किया था कैफे रेसर मैगजीन USA। दिस वॉज द पॉइंट वेयर इट ऑल स्टार्टेड, जब मुझे इस तरह का फीडबैक मिला और मुझे पता चला कि ये काम इस तरह से अगर प्रेजेंटेबल हो तो उसका ये मतलब आउटपुट मिल सकता है। कीपिंग इन माइंड कि जो हमारी मार्केट में प्रैक्टिस है, लोग जिस तरह से बना रहे थे मोस्टली वो क्या करते हैं, चाइनीज़ जो पार्ट्स हैं, लाइट्स हो गई, इंडिकेटर्स और इस तरह की चीज़ें बस वो रिप्लेस की बाइक पर और आपका जो है वो प्रोजेक्ट रेडी, कैफे रेसर रेडी हो गया, जो कि ना तो प्रेजेंटेबल होता है। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल नए लड़के हैं, जो नए लोग आ रहे हैं स्पीड में जिनको शो हो रहा होता है, उनको इतना उस चीज़ का आइडिया नहीं लगता, उनके लिए वही चीज़ एक आउट ऑफ द बॉक्स बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में वो पैसे का भी ज़्यादा हो रहा है, टाइम का भी हो रहा है और ओवरऑल लोगों को मतलब धोखेबाजी चल रही है मार्केट में। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो फिर मुझे फील हुआ कि यार नहीं, हमारे मुल्क में भी ये कल्चर जो है ये प्रमोट होना चाहिए, कैफे रेसर कस्टम बाइक जो है ये रोड पर दिखनी चाहिए और हर बंदा इसको मतलब अफोर्ड कर सके। कस्टम कैटेगरी में बाइक्स मोस्टली लोग बनाए इसलिए होते हैं कि भाई कोई बड़ी हाई फाई बाइक वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो वो एक नॉर्मल बाइक को अपनी नीड्स के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। तो उस हिसाब से परचेजिंग पावर इतनी नहीं है पहली बार जो हमारी कंट्री में लोगों की, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स को शौक होता है यार कि मैं बाइक एक अच्छी बाइक ऐसी हो जो कि एक हेड टर्नर हो, जहाँ पे भी मैं लेके जाऊँ लोगों को दिखे और उसको राइड करने में भी एक वो फील आए ना, तो वो नॉर्मली एक नॉर्मल जो रूटीन बाइक्स हैं हमारे पास इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ फील नहीं कर पाते लोग। ओवरऑल अगर इसको मैं समराइज करूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा ये पैशन बन चुका है। बचपन से ही बाइक्स का बड़ा क्रेज़ था, मूवीज़ में देखना और वैसे कभी रोड पे देखना तो पूरा दिन देखते रहना कि यार कब निकालेगा बाइक बंदा, उसके घर के पास जाके खड़े हो जाना, तो ये क्रेज़ और एक वो इट वाज ऑल देयर फ्रॉम बिगिनिंग। तो जब मैं कराची मूव हुआ आज से 7 साल पहले, तो थोड़ा बहुत मैंने टाइम निकालना शुरू किया क्योंकि एक जॉब कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 8 to 4 और उसके साथ साथ ही जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो मैं ये काम करता हूँ अपने ऑफ आवर्स में। मार्केट में आके डेंटर के पास बैठ जाता हूँ या मैकेनिक के पास बैठ जाता हूँ या पेंटर के पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे साथ साथ खुद देखनी होती हैं, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस है नहीं इस तरह का काम करने की, तो वो लोग खुद से कर नहीं पा रहे होते मोस्टली, या मतलब वो अपने हिसाब से बिल्कुल बेस्ट करते हैं बट वो चीज़ जो मैं चाह रहा होता हूँ वो मेरे मुताबिक नहीं बन पा रही होती, इसलिए फिर मुझे साथ बैठना पड़ता है और उनके स्किल्स का फ़ायदा उठाता हूँ मैं, क्योंकि स्किल उनके पास है लेकिन उस चीज़ को शेप क्या देना है, कैसे करना है, उसके लिए डायरेक्शन लाजमी होती है तो जो कि मुझे करनी पड़ती है। तो अभी तक ऑलमोस्ट आई थिंक 9 या 10 बाइक्स जो हैं वो डिज़ाइन मैं कर चुका हूँ, मोस्टली मैंने अपने किए हैं या फिर बहुत ही कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं जो उनके लिए मैंने किए हैं। शायद मैं फ्यूचर में इस चीज़ पर सोचूँ कि मैं अपना एक कस्टम गैरेज, प्रॉपर कस्टम गैरेज यहाँ पर ऑपरेट करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कोई भी
एक प्रॉपर गैरेज नहीं है। जैसे यूरोप में हम लोग देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी लोगों ने घरों में गैरेज बनाए होते हैं, वहीं पे रहने की जगह है, वहीं पे उनका एक छोटा सा गैरेज बना हुआ है जहाँ पे वो फैब्रिकेशन भी कर रहे हैं। तो इस तरह की एक टीम हो, एक जगह हो, तो बंदा इस काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। बट इस रूटीन में जॉब के साथ और मार्केट में जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके साथ ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। अच्छा, कराची में डिफरेंट मार्केट्स में जो है ये आपको डेंटर, फैब्रिकेटर, पेंटर अलग अलग मार्केट्स में दिखेंगे, तो ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है कि किस मार्केट में आपकी थिंकिंग से मिलता हुआ बंदा कहाँ पे है, जिसका माइंडसेट आपसे मिलता हो, जो काम आप करवाना चाह रहे हो वो पूरा वहाँ से हो रहा है या नहीं। तो मैंने ओवर द टाइम मतलब काफ़ी डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है, और अभी मैंने ये मार्केट जो है ये एक्सप्लोर की, और यहाँ से अब आगे मैं काम करवा रहा हूँ शाह फैसल में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी नीड के मुताबिक काम हो रहा है, 100% नहीं बट जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है इन सारी फैसिलिटीज़ में वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्रोम कराना हो, बाइक की फैब्रिकेशन हो, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। मैकेनिक हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पेंटर हमारे यहीं पे है। तो एक छोटी सी मार्केट है बट इसमें हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम लोग की नीड है, उसको पूरा करने के लिए मार्केट अभी काम करता है। तो मोस्टली पार्ट्स तो हम लोग फैब्रिकेट करते हैं, अब जो फैब्रिकेट नहीं होते तो मोस्टली हमें पार्ट्स इस तरह चाहिए होते हैं कि हम लोग उसको स्क्रैप मार्केट में जाके वहाँ से ढूंढने पड़ते हैं। कभी कोई इंजन के पार्ट्स हो गए, कुछ वैसे पार्ट्स हो गए जैसे कि टैंक है, तो जो पुरानी बाइक्स हैं उनके टैंक्स मुझे अक्सर मैं स्क्रैप से जाके वहाँ से ढूंढने पड़ते हैं। अगर वो मिल जाएँ तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके शेप दे के अपने मुताबिक कर लेते हैं, वरना ये है कि स्क्रैच से उसको बनाना पड़ता है तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। मशीनिंग का जितना काम है वो भी इसी मार्केट से है। कभी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें मिल तो जाते हैं बट वो दूसरी बाइक में उस तरह से फिट नहीं हो पाते, उसके लिए मशीनिंग लेट मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, सारी मार्केट है, तो उसी में वही सारे काम फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वो सारे काम यहाँ पे करने पड़ते हैं। कुछ चीज़ों पे हमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी यहीं पर है। अस्सलाम वालेकुम। और बस यार टाइम मिल गया आज तो करते हैं। बस फिर आप सुनाओ काम से कैसे जा रहा। तो इसको हमें रखना है 16 इंच। ये बन रहा है तकरीबन 15.5 है। आपकी ये कटिंग करने के बाद इसका 4 इंच का पीस बाहर निकलेगा, यही क्रॉस होके पाइप ज्वाइंट हो जाएगा, इसके साथ से पीस उठ के आपका पैरा पीस के ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो वाली जो है ना सीट जो 175 वाला मेरा पड़ा हुआ है, उसको वो जो दूसरी भी 200 आ रही है ना उस पर लगाना है। वैसे भी तो उसका टैंक तो मिल नहीं रहा जो हमें चाहिए, तो इसको हाली अब ये करेंगे कि एग्जैक्ट ऊपर से नीचे सेम लगा के निशान पूरा हाफ से काट देंगे, उतना ही पीस चौरस आएगा ऊपर तो टैंक थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, उसको हम उसकी शेप नहीं आउट होगी। मैं भी वो टैंक ले आता हूँ। अच्छा अब एक टैंक बड़ा हुआ है मेरे पास पहले से ही, एक मैंने स्क्रैप से लिया था 175 का, तो उसको लेंगे। एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके लिए टैंक को चाहिए था वाइड, बट वाइड टैंक था नहीं, तो अब हम करेंगे क्या कि इसको लेते हैं यहाँ से और हाफ से स्प्लिट करूँगा और उसको वाइड करूँगा। अली 175 का टैंक बड़ा हुआ था, ये कारण है। दुआ के बगैर कस्टम भाई की पूरी होना बड़ी मुश्किल है। ये बाबा आप देखें ऊपर से नीचे तक खुद भी बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज एक इनका हुआ है, फैशन स्टेटमेंट बड़ा इंस्पायरिंग है। ये आ गया टैंक, मैं इसको निशान लगाऊं
अभी करो, मैं उसका निशान लगा रहा हूँ। काम करो ना, इसको बाद में कराओ ना सारा काम, इतनी जल्दी कराओ। मैं बस निशान लगा रहा हूँ, उसको ग्राइंडर से काटना है। आप ये करते रहो, मैं उसको निशान लगा दूँ टेप से सेंटर। सिर्फ ग्राइंडर यूँ चलाना हल्का सा, दो पीस हो जाएंगे, पड़ा रहेगा फिर बाद में। निशान लग गया, इसको पूरे को कॉलर को काट के निकाल लेते हैं। ये करने के बाद इसके अंदर ये शॉर्ट होगी, हाँ। ये पूरी पीस निकालना है, पूरे का पूरा पीस के अंदर दो पीस में करते नहीं है। ये कट जाएगा, ऊपर भी लग गया निशान, नीचे भी लग गया। चलो यहाँ से हमने बनानी है स्ट्राइप, यूँ आएगी, यूँ ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। जो भी मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट था, जो मेरा फेवरेट हॉर्स है बॉबर, तो ये तो ऑलमोस्ट 1.5 साल में कंप्लीट हुआ था। इसी तरह की सारी लिमिटेशंस के होते हुए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इस तरह अभी हम मार्केट में देख रहे थे। तो इस तरह फैब्रिकेशन है, पेंट वर्क है, उसके बाद जब फाइनल बाइक हो जाती है उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, जो सारा वायरिंग वाला सीन है। तो इन सारी चीज़ों के बाद भी जब बाइक कम्प्लीट होके खड़ी होती है तो फिर उस वक्त 10 चीज़ें दिखती हैं कि भाई नहीं, इसमें कॉस्मेटिक्स जो है वो कुछ मज़ीद काम करने पड़ते हैं, कुछ फाइनल टचेस, कुछ पेंट, कुछ स्टिकरिंग। तो ये सारा एक प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, जो आपके सामने होती है, जो अक्सर बाइक मेरी अब जब मैं पोस्ट करता हूँ कम्प्लीट हुई हुई, तो उसको तो देख के लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट जो पीछे पूरी हिस्ट्री है, पूरी जो स्टोरी होती है कि वो बाइक उस तक, उस स्टेज तक आने के लिए पूरा जो उसके पीछे प्रोसेस था वो क्या था। कुछ बाइक्स हैं महंगी, कुछ 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन तक की बाइक्स हैं, तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारी आवाम जो है उनकी जो है परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो इतनी महंगी एक बाइक जो है वो परचेज़ करें। तो उसके लिए होता क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह वाली चीज़ को, मतलब हम लोग अपने नीड्स के मुताबिक, अपने स्टाइल के मुताबिक एक बाइक को कस्टमाइज़ करते हैं विद इन आवर ओन बजट। पैसे से शौक भी पूरा करते हैं लोग, बट जिनके पास नहीं है पैसा, उनके लिए कस्टमाइज़ करके उसको एंजॉय करना एक अलग चीज़ है, वो अपनी एक वैल्यू रखता है, जो कि हम लोग इसी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कल्चर जो है ये डेवलप हो। जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है, वैसे ही हमारी कंट्री में भी पहले से काफ़ी ये कल्चर डेवलप हो चुका है।
बट इसी अपना जो पैशन है, जो मेरा पैशन ये जनरली जो और स्ट्रांग हो रहा है, वो जिस इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी आए दिन नई से नई बाइक्स देख रहा हूँ जो काफ़ी लोग बना रहे हैं मार्केट में, काफ़ी अच्छी बिल्ड बना रहे हैं वर्सेस पहले जो हम लोग 4-5 साल पहले देखते थे। तो वो एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से मतलब मेरा और ये पैशन जो मेरा बढ़ रहा है कि मैं ये चीज़ें और बनाऊँ। एफर्ट के बगैर इंसान को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। लाइफ जो है ये हमेशा से थोड़ी कॉम्प्लिकेट रहती है, कुछ भी आपको प्लेट में रख के नहीं रहती। तो ये जो सारी एफर्ट जो मैं करता रहा हूँ, ये वो फाइनल एंड रिज़ल्ट है इस सारी एफर्ट के बाद जो कि आप देख रहे हैं। तो इसको इसकी राइड को जो मैं इन्जॉय करता हूँ, वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स। इसमें मैंने जो 1.5 साल लगाया है, उसके बाद जब ये एंड रिज़ल्ट सामने है, जो जिसमें मैं राइड कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, ये एक टोटली एक डिफरेंट फीलिंग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप के आपको मज़ा आया होगा। ये बिहाइंड द सीन्स और जो सारी बिहाइंड द बैकड्रॉप जो आप सारी डिटेल्स देखी हैं आपने, एंड थैंक्स टू रिसोर्स, थैंक्स टू काशिफ रजा जिन्होंने आज टाइम निकाला और ये हम लोगों ने मिल के ये थोड़ा सा ये काम प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हाउ इट इज़ डन।